हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको पनीर की एक और डिलीशियस ग्रेवी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है पनीर दो प्याज़ा। एंड जैसे कि इसका नाम है दो प्याज़ा, इसका मतलब हम इसमें डालेंगे प्याज दो कट्स में, दो अलग अलग स्टेज में, और ये बहुत ही बढ़िया बनती है, एकदम रेस्टोरेंट जैसी। और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म चावल या फिर फुलको के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बढ़िया सी ग्रेवी के लिए हम बोल में ले लेंगे 2 टेबल स्पून गाढ़ी दही। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी जिसको मैं ऐसे अपने हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, और फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ बस 1 छोटा चम्मच आटा। जी हाँ, ये गेहूं का आटा है, आप चाहें तो इसकी जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होगा ना, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से बंध जाएंगी, और ऐसा करने से ना पनीर में एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी और आपका पनीर तेल में फटेगा नहीं और बंधा रहेगा सारे मसालों के साथ। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले, और अब इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम पनीर के पीसेस, और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे जैसे सारी कोटिंग अच्छे से चिपक जाए पनीर के साथ। तो ये देखिए अच्छे से कोटिंग चिपक गई है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे बस 5 से 10 मिनट के लिए। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल, और इसमें हम डाल देंगे हमारे मैरिनेट किए हुए पनीर के पीसेस, और हम इस पनीर के पीसेस को पकाएंगे बस 2 से 3 मिनट के लिए, ऐसे बीच बीच में स्टर करते हुए या बीच बीच में इसे पलटाते हुए, जैसे इन सारे मसालों में पनीर थोड़ा सा पक जाए। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे कच्चा पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ऐसा करने से पनीर का स्वाद दुगना हो जाता है और इसे करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो बस अब ये हो गया है, बस मैंने इसे 3 मिनट के लिए ही पकाया था, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना पनीर हार्ड हो जाएगा। इसमें अच्छी सी मसालों की कोटिंग आ गई है, इसे निकाल देंगे किसी प्लेट में और साइड में रख देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट उसी पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा और तेल, अगर आपको ज़रूरत है तो, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा ब्राउन हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची, इसे थोड़ा मिक्स करेंगे, और फिर मैं इसमें डाल दूंगी 2 प्याज बारीक कटे हुए, और इसे भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए या फिर जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे कच्चे प्याज का प्यूरे भी डाल सकते हैं अगर आप जल्दी में हैं तो। तो क्योंकि हमने सेम कढ़ाई यूज़ की थी, मतलब सेम ऑयल यूज़ किया था पनीर का, तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। ये देखिए हमारे प्याज में काफ़ी अच्छा कलर आने लगा है, और ये जो प्याज है ना वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो करीबन 2 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से पकाएंगे प्याज के साथ। तो करीबन 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज एकदम बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, एकदम इवन ब्राउन कलर आ गए हैं इन सब में। तो इस समय हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। गैस का फ्लेम लो ही रखना वरना ना आपके मसाले जल सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसी स्टेज पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी, जैसे कि ना वो तेल में अच्छे से फ्राई होकर सारा फ्लेवर छोड़ दे। और मसाले भी प्याज में डालने से ही अच्छी तरह से भुन जाते हैं, और जब हम इस तरह से तेल में डालते हैं ना मसाले, तो उनका कलर भी और अच्छा आ जाता है ग्रेवी बनाने के समय, और अच्छा गहरा हो जाता है। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और इससे पहले कि मसाला जल जाए इसके ऊपर तुरंत हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं 4 टमाटर जिसको मैंने ऐसे मिक्सी में पीस लिया है, और इसे भी पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। इसमें नमक भी डाल दीजिए ताकि जल्दी से टमाटर पक जाए। इसे अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे, और अब क्या करेंगे, इसको ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे टमाटरों को करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर टमाटर जब तक पूरी तरह से पक ना जाए। तो अब लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर थोड़े से कम हो गए अपने क्वांटिटी से, मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है ऊपर से, और साइड से तेल भी छूटने लगा है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। पानी अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं जैसी ग्रेवी आपको चाहिए। अब पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे और इस ग्रेवी को पकने देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये गाढ़ा मसाले का बेस तैयार हो गया। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेवी को पतला बिल्कुल नहीं करना है। इसमें हम डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस, इसे थोड़ा सा मिक्स करके पकाएंगे बस 1 मिनट के लिए,
और इसी समय हम डाल देंगे एक प्याज जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है। ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पनीर तो प्याज़ा का मतलब ही ये है कि हम इसमें डाल रहे हैं दो तरीक़ों से प्याज, यानी कि पहले हमने बारीक प्याज डाले थे बेस में और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसे क्यूब्स। और मैं इस स्टेज पर ही डालती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसका ना हल्का क्रंचीनेस कायम रहता है। वरना आप चाहें तो प्याज के पीसेस को पनीर के साथ भी मैरिनेट करके थोड़ा सौते कर सकते हैं, लेकिन वैसा करने से प्याज इस स्टेज पर आने तक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो ग्रेवी में ना बिल्कुल घुल जाते हैं। इसलिए मैं ना प्याज इस स्टेज पर डायरेक्टली कच्चा प्याज डाल रही हूँ ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट ना हो जाए। और आप चाहें तो इसी स्टेज पर कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। ऐसा करने से ना उसका जो शेप है ना और क्रंचीनेस दोनों कायम रहेंगे। इसे भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, और आप चाहें तो इस समय पानी भी एडजस्ट कर सकते हैं और फिर से इसे ढककर पकाएंगे बस 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि प्याज और पनीर ग्रेवी का पूरा फ्लेवर अच्छे से सोख ले और जो प्याज हमने अभी भी डाले हैं कच्चे वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। तो लिड हटाकर अभी चेक करते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ग्रेवी। तो इस समय मैं इसमें डाल दूंगी बस 2 टेबलस्पून मलाई, और अगर आपको मलाई नहीं पसंद है तो आप इस समय इसमें काजू का पेस्ट या फिर आप इस समय ना इसमें थोड़ी सी गाढ़ी दही भी यूज़ कर सकते हैं अपने ज़रूरत अनुसार। इससे बेसिकली ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी और उसमें अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। और इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून शक्कर, इसके सारे फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, वैसे ये ऑप्शनल है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। और अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश धनिया और इसे भी मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी और मसालेदार ग्रेवी तैयार हो गई है। पनीर तो प्याज़ा की कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, काफ़ी गहरा हो गया कलर पकाते पकाते। पनीर और प्याज भी बहुत अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं इस बढ़िया सी ग्रेवी के साथ, साइड में से तेल भी छूट गया है। तो बस अब ये शानदार ग्रेवी तैयार है परोसने के लिए। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें राइस, नान या फिर पूरी के साथ तो एकदम बेस्ट लगती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की पनीर की एक और ग्रेवी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।